फाइनली गाइस हमारा हीरो 9 आ गया। देख लो तुम हीरो 9, तुम्हें यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी हीरो 9 की। तो गाइस गुड मॉर्निंग तुम्हें, क्योंकि अभी मैं उठा हूँ, सिर्फ देखो नहाया धोया हूँ, बाल भी देखो कैसे बिल्कुल चिपके हुए हैं। और साथ में पहली खुशखबरी देने वाला हूँ गाइस तुम्हें, ये देख सकते हो मेरे सामने, फाइनली गाइस हमारा हीरो 9 आ गया। देख लो तुम हीरो 9, तुम्हें यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी हीरो 9 की। तो भाई अभी हमारा ड्रीम कैमरा था जो हमारे पास आ चुका है, अभी इससे ब्लॉग आएंगे सारे के सारे। सो फाइनली यार अभी हमने कैमरे से कर रहे हैं शूट, तो देख सकते हो हमारा कैमरे का बॉक्स कुछ ऐसा है और हमारा बीच में पड़ा है मीडियम मोड, तो इसको लगा के देखेंगे वॉइस क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। अभी तो मेरे को इतना पता नहीं लग रहा क्वालिटी कैसी है क्योंकि इसमें छोटी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो जब मोबाइल पे वीडियो आएगी तो अभी मेरे को मेन बदल गया। तो चलो इसको पहले अटैच करके फिर देखते हैं। सो गाइस अभी फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है हमारा GoPro Hero 9 से, और मेरे को ये नहीं पता क्वालिटी कैसी आ रही क्योंकि मेरे को छोटी स्क्रीन दिख रही है दिखने में। तो यार मतलब यही था मेरा ड्रीम कैमरा, तो फिलहाल हमें अपना ड्रीम कैमरा मिल चुका है, तो अब इससे मैंने सोचा वो रोज़ ब्लॉग जाएंगे, रोज़ रेगुलर ब्लॉग करेंगे। तो गाइस कुछ और ऐसी ऐसी न्यूज़ तुम्हें देने वाला हूँ आज, जिस सुनकर बाद में तुम बोलोगे भाई तुमने ना इतने दिन ब्लॉग नहीं डाले, लेकिन एक ही ब्लॉग में पूरी हर एक ब्लॉग की कसर पूरी कर दी है। दूसरी न्यूज़ तुम्हें देने वाला हूँ कि मेरी बाइक का पूरा मॉडिफिकेशन सामान आ चुका है, तुमने पिछले ब्लॉग में देखा होगा बाइक पूरी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन मैंने मॉडिफिकेशन का और इतना अच्छा सामान मंगाया, इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स मंगवाई, मतलब कि फॉग लैंप्स वगैरह सब कुछ मंगवाए हुए हैं, तुम देखोगे ना तुम बोलोगे भाई मज़ा ही आ गया। तो अभी तुम्हें थोड़ी बाइक की हालत दिखा देते हैं। फिलहाल ये खड़ी है हमारी बाइक, तो यहाँ पर बाइक में देख लो बिल्कुल ही पानी जम चुका है क्योंकि ठंड है, देख लो तुम सीट वगैरह पे। और ये हमारी स्पाइडी नाम है इसका, तो ये देखो इसका स्पाइडी का फेस। और यहाँ पर देख लो तुम ये जो तुम देख सकते हो यहाँ पर वो लगे थे जो लीवर लगे थे हैंड के, वो शायद यार डीले हो गए थे, डीले होने की वजह से निकलवा दिए, लेकिन अभी हम आई की सर्विस करवाएंगे क्योंकि सर्विस इसलिए करवानी है। चलो यार सर्विस वाली बात में तो मैं फिर बताता हूँ, अभी हमने इसको इंस्टॉल कराना है और यहाँ पे कहते हैं लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करनी है, तो अभी पे मैं पूरी बात बताता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी बताने वाला हूँ कि गाइस अभी हम निकलने वाले हैं परसों पत्नीटॉप के ट्रिप पर, कल नहीं तो परसों पत्नीटॉप के ट्रिप पर निकलने वाले हैं और बाइक्स वगैरह रेडी करेंगे कल वगैरह, पूरा इसका मतलब कि मॉडिफिकेशन वगैरह करवा देंगे जो भी करवानी थी लाइट्स की, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ पर लाइट्स वगैरह की ज़रूरत होगी अगर हम रात में चलेंगे तो। बाइक में मतलब सर्विस वगैरह मैं सोचा था करवा के जाऊँ क्योंकि मैंने अभी सर्विस करवाई थी 1.5 महीना पहले, लेकिन मेरे को मुदस्सिर ने कहा कि सर्विस करवा ले भाई, बड़ी दूर जा रहे हैं कहीं पे कुछ हो ना जाए बाइक को। तो मैं मतलब कोई बात नहीं भाई, अपनी बाइक का सर्विस कराना ज़रूरी है, बाकी लाइट्स वगैरह फिट करवा दें जो कि तुम्हें अगले ब्लॉग में सब देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, मैं देख लो यार कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल पर, कैमरा वगैरह क्या क्या नहीं लिया यार तुम्हारे लिए मैंने, तो जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। न्यूज़ बता देता हूँ कि गाइज मैंने अपने राइडिंग गियर सारे मंगवा दिए, मैंने राइडिंग जैकेट वगैरह सब कुछ आ गया मेरा, लेकिन एक सीन है, मैंने जाना है परसों और वो राइडिंग जैकेट मेरे को आएगी कुछ 3-4 दिन तक मिल जाएगी, तो उसकी वजह से मैं इस बार पहन के जा नहीं पाऊँगा उसको। तो चलो कोई बात नहीं यार, राइडिंग जैकेट तो आ गई यार। किलो हमने GoPro Hero 9 ले लिया हुआ है, दूसरा हमने बाइक मॉडिफिकेशन करवा देनी है अब, और तीसरा हमने राइडिंग जैकेट मंगवा दिया, और चौथी खुशखबरी तुम्हें वीडियो के एंड में ही पता लगेगी और यहाँ बाइक पे ही पता लगेगी क्यों। तो चलो बाकी अभी हम थोड़ा मतलब टेस्ट करते हैं कि बाइक पे इसकी कैसी क्वालिटी आती है कैसी नहीं, और कैसा एंगल आता है कैसा नहीं। तो बाकी मतलब कि मेरे पास वॉइस अडैप्टर तो नहीं है, तो मैं 2-3 दिन तक ट्राई करूँगा कि वॉइस अडैप्टर भी हमें मिल जाए जल्दी से जल्दी, 2-3 दिन बाद वॉइस अडैप्टर लगा के फिर तो रोज़ रेगुलर ब्लॉग, फिर टेंशन नहीं लेनी भाई। तो अभी हम चलो चेक करने वाले हैं, थोड़ा बाइक पर जाके मिलेंगे आपको, ठीक है ओके बाय। तो गाइस फिलहाल हो चुकी है हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट, थोड़ी देखो अभी गीली गीली है, तो चलते हैं अभी घर से निकलते हैं, देख कैसी वॉइस आती है कैसी नहीं। मेरे को पता थोड़ा भी ब्लॉक आया क्योंकि मैंने अडेप्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था अभी, तो वॉइस के लिए माइक भी रख लिया हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैं कल तक अडेप्टर ले लेने का पूरा ट्राई करूँ, चल निकल गए ट्राई करें कैसे आती है कैसे नहीं। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके सिटी और तुम देख सकते हो कुछ ऐसी है हमारी वीडियो की क्वालिटी और कैसी तुम्हें देखने को मिली होगी। तो अभी मेरा थोड़ा विंडो ब्लास्ट आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो मैं ले आऊँगा कल या परसों, मैंने मतलब 2-3 ब्लॉग के में ना आपको मिल ही जाएगा देखने को। देख लो क्या ही व्यू आ रहा है आगे का, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा हो तो यार मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो भाई कमेंट्स में मेरे को ये बताना कि मैंने कैमरा लेके अच्छा किया कि गलत किया, भाई मेरे को तो
बहुत अच्छा लग रहा है भाई कैमरा। तो यार अभी हम थोड़ा भगा के भी देखेंगे क्योंकि मैंने कुछ कनेक्ट तो नहीं किया, तो मैं थोड़ा विंड ब्लास्टर आएगा तो थोड़ा भगाएंगे इसको, थोड़ा देखेंगे कि ऐसा ही क्वालिटी आती है बिल्कुल कटिंग। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रेड लाइट पे, तो पीछे हमने थोड़ी डैश किया, तो यार पीछे मेरे को पता है ज़्यादा विंड नॉइस आया होगा, तो इस वजह से मैं पीछे साउंड वगैरह तो नहीं ला पाऊँगा, तो पीछे मैं कुछ साउंड मतलब पीछे कुछ साउंड वगैरह ला दूँगा उसको करना एडजस्ट बैकग्राउंड साउंड को। तो पहुँच चुका सिंगल जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक सरप्राइज छोड़ रहा हूँ जो लास्ट में मैं मतलब आपको बताने वाला हूँ, तो आपको नया सरप्राइज ये आ चुकी है गाइस कि हमारी फैमिली में एक और मेंबर जुड़ने वाला है। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ वो भाई क्या की स्कूटी है कि यार मैंने सोचा तो है कोई ई व्हीकल लेने का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो शायद हम ओला पे जाएँ या हम रिवॉल्ट पे जाएँ। मैं वैसे तो एक पोल जरूर डाल दूँगा कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए स्कूटी लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक, तो बाकी तो कमेंट में जरूर करें कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो बाकी हम मतलब ट्राई करेंगे कि जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही ले लें मतलब न्यू ईयर पे। तो बाकी आप स्पोर्ट बनाए रखो, देखो तुम्हारा भाई क्या क्या कर रहा, कभी बाइक ले रहा है, कभी स्कूटी ले रहा है, कभी कैमरा ले रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, और तुम्हें ना एक ही काम दे रहा हूँ मैं सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का और ज़्यादा कमेंट करने का। तो ये अपनी ड्यूटी पूरी करो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ, ठीक है? तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। Thousand years later. Done. तो गाइस इस टाइम चेक कर सकते हो, रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है मतलब 6:45, और हम रास्ता भटक चुके थे कुछ ऐसे एरिया में आ गए थे, और यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया, मतलब पहले तो मेरा कैमरा ऑफ था, मेरे को बोलता कि कैमरा ऑन मतलब हाथ में लगा, तो बोलता मैंने आपके चैनल देखा हुआ, मतलब कैसे बोलते जिस वीडियो में आपने मुझसे कुछ बाइक दी थी वही यार जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल गई थी उसी वीडियो के लिए रिलेटेड बात कर रहा था, तो फिर मेरे को पता लग गया। तो भाई फाइनली हम कुछ ऐसी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से मेरे को आगे पता, तो थैंक यू भाई, भाई ने बड़ी हेल्प की हमारी, तो यहाँ पर शॉप पर आना था मेरे को, तो भाई ने मेरे को पहुंचा दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। बाकी वीडियो देखते नहीं तो अपना लाइक सब्सक्राइब। तो भाई अभी हम सिटी आए हुए थे, कुछ मतलब मैंने सोचा कि ट्रिप पर जाना है तो कुछ मतलब कपड़े वगैरह भी ले लिए जाए, तो उसी वजह से अभी हम बिल्कुल जगह पर आए हैं, कुछ यहाँ से निकलते हुए जाएँगे, थोड़ी कपड़े वगैरह ले लेंगे अपने लिए, मुझे दो जीन्स ले लूँगा, स्वेटर वगैरह जो अंदर पहने के लिए बॉब वगैरह, क्योंकि यार तुम्हें पता है सर्दी तो बहुत होने वाली है, बर्फ़ पड़ रही है फिलहाल उस जगह पर, तो चलो अभी चलते हैं आगे। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ पंचेसी, जैसे तुम देख सकते हो ये कुछ एरिया पंचेसी का, फिलहाल तो गाड़ियाँ भी कुछ नहीं है, और आगे देखो कितना अच्छा एरिया दिख रहा है तुम्हें, मतलब छोटे छोटे अच्छा है तुम्हें नहीं दिख रहा हो, और यहाँ देखो गाड़ियाँ भी कोई नहीं है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, कपड़े वगैरह तो मैंने ले लिए, लेकिन ये देख लो यार ये जो पॉलिथीन है इसमें डालने पड़े, क्योंकि जो जो हमें मतलब शॉप ने दिया था ना पॉलिथीन वो हमसे फट गया गलती से यार, वो पता नहीं कैसा पॉलिथीन था, मैंने बस उसको पकड़ा तो वो फट गया, उसकी वजह से मेरे को इसमें डालने पड़े अपने सारे कपड़े वगैरह। मैंने ले लिए दो जीन्स ली और एक मैंने स्वेट शर्ट ली अंदर मतलब कि टर्न लग की तरह चीज़ें ले ली। चलो जैसे भी थी अब चलते हैं घर, घर जाके देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं। बस तो फिलहाल गाइस देख लो पहुंच चुके हैं नेस कैफे के बाहर, तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो बाकी आज के ब्लॉग में यही था यार, आज का ब्लॉग बहुत बहुत जोर भरा रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज हमने बहुत सारा मतलब बाइक का काम घूम गया, कल के रेडी किया, तो कल के ब्लॉग को देखना ज़रूर मतलब भूलना मत क्योंकि कल का ब्लॉग देखने, क्योंकि तुम्हें पता ही है कल हम जाने वाले हैं कहाँ, पत्नी टॉप राइड पे जाने वाले हैं गाइस, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ गाइस कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना प्लीज़ गाइस। तो चलो यार मिलते हैं छोटे दिमागदार वीडियो में, तो खुश रहो मस्त रहो, बाय बाय।